बताते हुए कहते हैं, हमने अपने आखिरी बचे गोला बारूद का इस्तेमाल कर लिया था। हर कोई हमारी स्थिति को जानता था और चारों तरफ सिर्फ दहशत ही थी। महिलाओं ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या करना शुरू कर दिया और कई महिलाओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए जहर खा लिया। ऐसा एक उदाहरण था जब एक लड़की ने खुद को मारने के लिए सिंधु नदी में 3 बार छलांग लगाई, लेकिन हर बार लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देती। मेरे सैनिकों ने बहुत ही मुश्किलों के साथ लड़ाई लड़ी और 6 महीने 3 दिनों तक स्काडू पर कब्जा जमा कर रखा। फिर आखिरी में आदेश के मुताबिक आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये लेफ्टिनेंट कर्नल कोई और नहीं था हीरो ऑफ स्काडू शेरचंद थापा थे। शेरचंद थापा का जन्म आज के ही दिन 15 अप्रैल 1908 को एबटाबाद, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहां हुआ था। बचपन के दौरान उनका परिवार एबटाबाद से धर्मशाला चला गया, जहां थापा ने अपनी शिक्षा जारी रखी और कॉलेज में एडमिशन लिया। पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलते हुए शेरचंद ने भी स्वेच्छा से एक सैनिक बनना पसंद किया। कश्मीर राज्य के प्रति उनकी निष्ठा और पुरुषों को कमान और नेतृत्व करने की क्षमता पर किसी का ध्यान नहीं गया। शेरचंद को 16 अगस्त 1932 को जम्मू और कश्मीर इन्फेंट्री की 6वीं बटालियन में विभाजन के समय तक नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में शेरचंद उस बटालियन की कमान संभाल रहे थे, जिसमें उन्हें कमीशन दिया गया था। 11 फरवरी 1948 के दिन पाकिस्तान के 600 सैनिकों वाली सेना ने स्काडू शहर पर हमला बोल दिया। उस वक्त कर्नल शेरचंद थापा स्काडू की रक्षा के लिए अपने 50 जवानों के साथ वहां पर तैनात थे। संयोग अच्छा था कि पाकिस्तान द्वारा हमला करने के एक दिन पहले यानी 10 फरवरी को कैप्टन प्रभात सिंह के नेतृत्व में 90 जवानों की टुकड़ी स्काडू पहुँच चुकी थी। पाकिस्तान द्वारा हमला करने के बाद शेरचंद थापा ने 130 जवानों के साथ 6 घंटे लंबी लड़ाई लड़कर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। स्काडू में तैनात भारतीय सेना को पाकिस्तान सैनिकों का मुकाबला करने के साथ ही वहां की मुस्लिम आबादी का भी मुकाबला करना पड़ रहा, क्योंकि स्काडू की मुस्लिम आबादी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिल गई और उनका सहयोग कर रही। पाकिस्तान द्वारा हमला किए अभी 2 ही दिन हुए थे कि 13 फरवरी को कैप्टन अजीत सिंह के नेतृत्व में 70 सैनिकों की टोली और 15 फरवरी को भी लगभग इतने ही भारतीय सैनिकों की टोली स्काडू पहुंच गई। सैनिकों के पहुंचने से शेरचंद थापा को थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात था कि लड़ाई अभी लंबी है, इसलिए उन्होंने श्रीनगर के सैन्य छावनी से अतिरिक्त सेना भेजने का आग्रह किया। स्काडू की रक्षा के लिए छोटी पॉइंट 8853 पर भारतीय सेना की तैनाती जरूरी थी, लेकिन कर्नल शेरचंद थापा के साथ मात्र 285 सैनिक होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए कर्नल शेरचंद थापा ने छोटी पॉइंट 8853 पर भारतीय सैनिकों की तैनात के लिए श्रीनगर सैन्य छावनी से लगातार कई बार आग्रह किया, लेकिन किसी कारण यह संभव नहीं हो पाया, जिसके बाद कर्नल शेरचंद ने स्काडू के स्थानीय गैर मुस्लिम युवकों को इकट्ठा किया, जिससे आगे चौकियों तक राशन और अन्य सामान पहुंचाया जा सके। कुछ दिनों के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने दोबारा हमला बोल दिया और छोटी पॉइंट 8853 पर अपना कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद पाकिस्तान सैनिकों ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे वे स्काडू छावनी के घेराबंदी कर सके। पूरे मार्च महीने भारतीय सेना ने पाकिस्तान सैनिकों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। 16 फरवरी 1948 को अपने बटालियन के साथ निकले कर्नल पृथ्वीचंद भारी बर्फबारी के कारण 1 मार्च 1948 को कारगिल पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात कर्नल शेरचंद थापा की बटालियन से हुई। वहां उन्हें जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना ने स्काडू पर अपना कब्जा जमा लिया है। यह सूचना मिलने के बाद कर्नल पृथ्वीचंद बिना देर किए लेह आ गए, जहां पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और तिरंगा फहराया। स्काडू में बीते 6 महीने से पाकिस्तान सैनिकों से लड़ रहे भारतीय सैनिकों के पास अब राशन लगभग खत्म हो चुका था। उनके लिए एक समय का भोजन करना भी मुश्किल हो चुका था। साथ ही हर एक राइफलमैन के पास सिर्फ लगभग 10 कारतूस ही बचे थे। बिना गोली और राशन के उनके लिए लड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण था। कर्नल शेरचंद थापा लगातार श्रीनगर से मदद की मांग कर रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण मदद पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा था।
अगले दिन श्रीनगर डिवीजन के कर्नल राम अब्रॉय ने आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दिया। 14 अगस्त 1948 को आदेश के बाद कर्नल थापा, 4 अधिकारी, 1 GCO और 35 अन्य रैंक के सैनिकों ने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शेरचंद थापा को उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शेरचंद थापा ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचे और साल 1961 में सेवानिवृत्त हो गए। अगस्त 1999 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 15 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ। साल 1563 में सिखों के पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ। साल 1689 में फ्रांस के स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज के ही दिन साल 1923 में डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ। साथ ही साल 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सिर्फ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।